अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मौजूद गुरुद्वारा साहिब में घुसकर 25 मार्च बुधवार को भारी हथियारों से लैस एक आत्मघाती हमलावर ने गोलीबारी की। इस हमले में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई, वहीं 8 लोग घायल हुए। गौरतलब है कि सिख समुदाय यहां अल्पसंख्यक है। बता दें कि अफगानिस्तान में करीब 300 सिख परिवार रहते हैं। इनकी संख्या काबुल और जलालाबाद में अधिक है। इन्हीं दो शहरों में गुरुद्वारा साहिब भी हैं। भारत ने इस हमले की निंदा की है। पीएम मोदी ने भी इस हमले पर बात की। आज काबुल में गुरुद्वारों में हुए आतंकी हमले से मन काफी दुखी है। मैं इस हमले में मारे गए सभी लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार सुबह को ट्वीट करके कहा कि काबुल में गुरुद्वारे पर हुए कायराना आतंकी हमले का दर्द और गुस्सा जताना स्वाभाविक है। हमारे दूतावास मृतकों के परिवारों और घायलों से लगातार संपर्क में है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल ने भी अफगानिस्तान में रहने वाले सिखों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार को अपील की है। आज एक बहुत ही मंदभागी दुखदाई निंदन योग घटना साढ़े सामने आई है कि काबुल गुरुद्वारे विखे कुछ मनुखी दरिंदियां ने वलों हमला करके लगभग 21 जिहड़े सिख सन उन्हां दी हत्या कर दित्ती गई। तो मैं समझदा एक बहुत ही ये माड़ी घटना वापरी है जिहदे नाल सारे सिखां दे हिरदे जिहड़े ने ओह बलूंदरे गए ने। और मैं इस गल की जिथे निंदा भी करदा उथे सतगुरु अगे अरदास करदे आ सतगुरु महाराज उन्होंने भाणा मन का बल बख्शे ते उन्हां दी आत्मा नूं शांति प्रदान करे। सो इहदे नाल ही मैं भारत सरकार नूं बेनती करदा कि वह अफगानिस्तान सरकार दे नाल गल करके उथों दी घट गिणती सिखां दी जिहड़ी सुरक्षा है उहनूं यकीनी बनावे। गुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिथे अज पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कारण फैली हुई महामारी नाल जूझ रही है उत्थे बड़ी दुखदाई घटना सुनने नूं मिली है अज कि काबुल के अंदर एक गुरद्वारा साहब दे विच हमला होया उत्थे जुड़ी हुई सिख संगत दे उत्ते। ये भी पता लग गया कि ये जिहड़े सिख सन ये गुरद्वारा साहब दे विच ही बड़े कमरियां दे विच रह रहे सन। तो सवेरे 7 बजे पुलिस की वर्दी के 6 जिहड़े माड़े अंसर जिहड़े वो आए है उन्होंने बंब भी चलाया गोलियां भी चलाइया ने। पक्की जानकारी जिहड़ी है वो तो हजे कुछ समय बाद आएगी क्योंकि अंदर गुरुद्वारा साहब दे किसी नूं जान नहीं दिता जा रहा। पर जिहड़ियां उत्थों फोन राही खबर आईयां ने पता लगियां ने कि 23 दे करीब सिख जिहदे विच बच्चे भी ने बीबियां भी ने और ग्रंथी सिंह भी है उहदे मारे जाण दी जिहड़ी है वो खबर है। समुची दुनिया के वसदा सिख भाईचारा अफगान सिखां दे नाल हमदर्दी प्रगट करता है और अफगान सिखां दे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा डाह के खड़ोता है। मैं भारत सरकार नूं अपील करदा कि वो अफगानिस्तान सरकार नाल गल करके सिखां दी सुरक्षा जिहड़ी है अफगानिस्तान दे विच जिहड़े वसदे ने उह यकीनी बनावे। तो विदेशों के वसते सिखां नूं भी अपील है कि वह अपनी अपन सरकारां राही अफगानिस्तान सरकार नूं कह के उत्थों दे सिखां दी सुरक्षा जिहड़ी है वह यकीनी बनाने का यतन करन। इस हमले की जिन्नी निंदा की जाए उन्नी थोड़ी है। वाहेगुरू अगे अरदास है सच्चे पातशाह विछड़ियां रूहां नूं अपने चरणां च निवास समुचे सिख जगत नूं पाणा मन्नण दा बल बख्शे। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान गोपाल सिंह चावला ने भी इस हमले की निंदा की। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही दुख की खबर है। हुण पता लगा कि अफगानिस्तान काबुल शहर दे विच शोर बाजार दे साडे गुरुद्वारे दे विच कि जिथे करोना वायरस नूं खत्म करन वास्ते पूजा हो रही सी पाठ हो रहे सन और सारी संगत जमा सी और पता लगा कि उत्थे दहशतगर्द हमला होया ब्लास्ट भी होया फायरिंग भी हुई है। सो मैं दास सरदार गोपाल सिंह चावला चेयरमैन पंजाबी सिख संगत
मैं अपनी पूरी कौम की तरफों पाकिस्तान की पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफों और एक बार फिर पंजाबी सिख संगत की तरफों कि असी तुहाडे नाल हैं। बहुत दुखदायक खबर है, इन्हें असी शदीद अल्फाज मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं और अपने अफगानी वीरां नूं अपनी सिख संगत नूं मैं पाकिस्तान की तरफों अपनी पंजाबी सिख संगत की तरफों यह यकीन दवाना कि अगर साड़ी तुहानूं इस दुख की घड़ी दे विच किसी किस्म की जरूरत है तुसी सानू एक कॉल करो, क्योंकि साढ़े कुछ दुश्मन यह साबित करना चाहते सी कि अफगानिस्तान दे विच या किसी होर मुल्क दे विच संगत जिहड़ी है वह गैर महफूज है। उन्हें अज उस साजिश दे विच वह काफ़ी हद तक कामयाब ने, पर असी पाकिस्तान की संगत तुहाडे नाल हैं। इस दुख की खबर इस दुख की घड़ी दे विच यह खबर जदों तक साढ़े तक पहुँची है तो असं भी बहुत दुखे च हैं, बहुत पीड़े च हैं। असी इन्हें शदीद अल्फाज नाल मजम्मत करते हैं और असी तुहाडे नाल, अगर तुसी कहो कि असी तुरखम बार्डर तक आ जाइए, असी किसी बार्डर तक आ जाइए, तुसी साढ़े नाल आना चाहो तो साढ़े दरवाजे तुहाडे वास्ते खुले ने। साढ़े पाकिस्तान के सारे गुरुद्वारे, ननकाणा साहब की संगत, पंजा साहब की संगत, पिशावर की संगत, सिंध की संगत, असी तुहाडे नाल हैं। अगर तुसी इत्थे आना चाहो, तुहानू जानी माली किसी किस्म की मदद की जरूरत है तो असी तुहाडे नाल। अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक सिखों और हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर आए दिन हमले होते रहते हैं। इसके पहले 2018 में राष्ट्रपति अशरफ गनी से मुलाकात करने जा रहे हिंदू और सिखों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था। इसमें 19 सिख और हिंदू मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी भी इस्लामिक स्टेट ISIS ने ली थी। इन हमलों से सिख और हिंदू समुदाय डरा हुआ है। बड़ी संख्या में सिखों और हिंदुओं ने देश छोड़ने का फैसला कर लिया है। 3 सालों में काफी पीड़ितों ने भारत से शरण मांगी है। काबुल से एक सिख लड़के का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो हमले की जानकारी दे रहा है। आठ बजे बाहर निकलो मैं तो पौनी तक गुरुद्वारे पौनी तक भी गई हूँ। मैं तो मेरा मामा डिठा कि पैरादौर भी डैठ है, जग्गू भी डैठ है, भाई एक बोला पुत्र तो असं वापस चढ़े। मामा मेरा खोटे तो चढ़े, किसने जाना खोटे तो देखना। तो मैं सैन बरंडे तो खलोता हूँ, मैं अपने सौले के कारण राती तो बरंडे तो खलोता हूँ। मैं सरहदी के बॉस चाया, मैं किम खाई दौलत दा नफर है। मैं उसे क्यों मैं किम चिकरी कोला की कुश्ता शो नहीं रसी दी ये कनवा मेरे तेज कालाशन कोफ कटे फेर की तो उसमें अपनी गोशा की तुम दो फेर की तो उससे बहुत चढ़े मेरे ते दौड़िया। मैं बोला थी लेकर के पिछली दलाने वड़े तो बुई थी जंदरा की तुम बुई थी जंदरा की तुम शीशा थी पानी उस फेर भी की तो दूसरा एक दौड़ी बामी दिसी टैठी हुई ऑन भी हसी बोर नहीं कुल सिंह ने बामी दिसी टैठी हुई है पता नहीं कि कहीं बामे हो तो असी मुशावर वाल जंग मोरिया तो और वस भी जंग मोरिया क्यों इसके तुसे सेफ हो तो कुछ गल नहीं है तो सिर्फ है कितने दक्के सबर करो कि बम की जे सटे न इसके असी उस बम के पिछे करें तो सोटी बोर निकला सिंह ने तो और भी जंग जरियोन रखती है सारे दलाने छपे बैठे हैं। जिस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है ऐसे समय में अफगानिस्तान में हुआ ये हमला काफी शर्मनाक है। हम इस हमले की निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वहां के लोगों को जल्द ही इंसाफ मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।